आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ को नया अध्यक्ष मिल ही गया, जिनका नाम संजय सिंह है। पर इनकी जीत के साथ बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कद और भी बढ़ा हुआ माना जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं। ऐसे में लोगों का मानना है कि कुश्ती संघ से भले ही उनकी विदाई हो गई हो, पर उनका कब्जा अभी भी बरकरार है। जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को है और रेसलिंग फेडरेशन से जुड़े हुए जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको है। सिंगल आईडिया यार सर, इसके साथ ही सर जो आरोप लग रहे थे, कहा जा रहा था अध्यक्ष चेंज होना चाहिए, अब नया अध्यक्ष आया, आप क्या करेंगे? अध्यक्ष तो चेंज हो गया जी, तो अब आगे कैसे काम करेगा फेडरेशन? अब नए अध्यक्ष करेंगे अच्छा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो गतिविधि रुक गई थी उस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। और जो तमाम आरोप लग रहे थे सर, वो न्यायपालिका में विचाराधीन है। संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी अनीता श्योराना को मात दी। संजय सिंह को 47 में से 40 वोट मिले हैं। इससे साफ है ये जीत नहीं, कहीं ज्यादा उससे ऊपर की उपलब्धि है। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने पहले ही दावा किया था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ही बनेंगे। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा, ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराएगा। रेसलर जिनको जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें, राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। बता दी कि संजय सिंह कुश्ती संघ में कोई नया चेहरा नहीं है। संजय सिंह सबसे पहले 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जब यूपी में साल 2009 में कुश्ती संघ बना तो बृजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे और संजय सिंह ने उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं मौजूदा समय में संजय सिंह वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही कुश्ती संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वहीं अनीता श्योराना, जिन्हें संजय सिंह ने हराया है, वो बृजभूषण शरण सिंह की कट्टर विरोधी मानी जाती हैं, क्योंकि अनीता ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण के खिलाफ गवाही भी दी थी। बता दें कि अगर अनीता ये चुनाव जीतती तो शायद वो देश की पहली महिला होती जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर विराजमान होती। पर संजय सिंह के सामने उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक बार फिर से भारतीय कुश्ती संघ पर बृजभूषण का दबदबा बरकरार रहा, ऐसा माना जा रहा है।